Hey everyone, welcome back to my channel Risa's Kitchen Flavors। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। बच्चे हो या बड़े, हम सबका फेवरेट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा होममेड क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही आसानी से बन जाता है, और वो भी बिना चीज का, मैंने बताया है। अक्सर रेस्टोरेंट में ये पास्ता काफी एक्सपेंसिव मिलता है, तो आप इस रेसिपी को इजिली घर में बना सकते हैं। वैसे भी होममेड इज बेस्ट, तो चलिए फिर देखते हैं व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनता है। अगर आप सबको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे आपको मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। यहाँ मैंने 2 कप्स पेन्ने पास्ता लिया है। आप अपने चॉइस से कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं, कोई सा भी शेप वाला। सबसे पहले पास्ता को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ वाटर ले लिया है। वाटर में बॉईल आते ही इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे एंड 1/2 टीस्पून में सॉल्ट ऐड करूंगी। अब मैं इसमें सारे पास्ता को ऐड कर दूंगी, एक दो बार चला लेंगे। फिर पास्ता को ऐसे ही बॉईल करेंगे जब तक पास्ता सॉफ्ट ना हो जाए, पूरा सॉफ्ट नहीं करेंगे। चलिए पास्ता को चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ कट करके भी दिखा दे रही हूँ आप सबको, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से पक गया है। अब मैं इसका वाटर ड्रेन कर लूंगी। वाटर ड्रेन होने के बाद मैं इसे एक दो बार ऐसे ही ठंडे पानी से धुल लूंगी, और फिर इसको दोबारा से इसका सारा वाटर ड्रेन करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन को हीट कर लिया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। अब मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड कर रही हूँ, कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का चॉप्ड ऑनियन लिया है, मैं इसको ऐड कर रही हूँ। थोड़ा देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। अब मैं अपने वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पीस, कैरेट, कॉर्न और कैप्सिकम लिया है। आप अपने चॉइस से कोई सा भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आप इसमें मशरूम, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ फ्रोजन वेजिटेबल्स लिया है। अगर आप फ्रोजन नहीं लेते हैं तो आप वेजिटेबल्स को यहाँ कवर करके 5 to 6 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाएं। आप देख सकते हैं मेरा वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब चलते हैं सॉस बनाने के प्रोसेस में। यहाँ मैंने सेम पैन लिया है। पैन में 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ। बटर को मेल्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा को ऐसे ही भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। यहाँ मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। यहाँ मैंने 2 कप्स मिल्क लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क को डालेंगे और ऐसे ही इसको चलाते रहेंगे। इसमें लम्स नहीं बनने देंगे बिल्कुल, अच्छे से चलाते रहें आप इसको, ऐसे ही चलाते रहें इसको। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा टेक्सचर दिख रहा है। मेरा सॉस बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सॉस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर इसमें सॉस ज्यादा गाढ़ा हो गया तो इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, और ज्यादा पतला हो गया तो पास्ता सॉस में अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगा। अब मैं अपने सारे वेजिटेबल्स को ऐड करूंगी जो मैंने फ्राई करके रखा था। मिक्स करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त दिख रहा है।
अब मैं इसमें 1 टीस्पून हर्ब्स ऐड करूंगी, 1 टीस्पून ऑरेगानो। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैं अपने बॉइल्ड पास्ता को ऐड कर दूंगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रिल चिकन भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने पसंद से कोई सा भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, पर ये प्लेन खाने में बहुत ही मजेदार लगता है। अब मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मेरा पास्ता बहुत बढ़िया और क्रीमी दिख रहा है। मेरा पास्ता बनके रेडी हो गया है। अगर आप सबको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन को प्रेस करें, जिससे मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। ये थी आज की रेसिपी व्हाइट सॉस पास्ता की, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। आप सब भी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप सबको कैसा लगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।